हेलो गाइज, व्हाट्स अप, दिस इज समी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल समी फिटनेस। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप लोग चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पेट में कब्ज आना, पेट में दर्द होना, पेट में गैस बनना, सर दर्द करना, चक्कर आना, छाती दर्द करना, इस तरह की जो बीमारी होती है, इसका क्या कारण है? आपने कभी इन बातों पर गौर किया है? फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड मैं आज की इस वीडियो में पूरी बात कवर करने जा रहा हूं। आप प्लीज़ इस वीडियो पर एंड तक बने रहें। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये जो बीमारी है, यानी कि पेट में गैस बनना, जलन होना, पेशाब में जलन होना, जो भी हम खाते पीते हैं वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होना, जिसके कारण से तरह तरह की परेशानियों का सामना हम करते हैं, ये बिल्कुल प्रैक्टिकली है और ये हम सब के साथ ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप इस तरह की बीमारी से परेशान हैं तो इसका एक बेजोड़ उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बस केवल और केवल मात्र आप उस फॉर्मूला को आप अप्लाई करेंगे तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि ये जो परेशानी जो रोज़मर्रा लाइफ में आपको होती है, आपके पाचन तंत्र से जुड़ी हुई, इम्यून सिस्टम से जुड़ी हुई आपके बॉडी की, तो वो सारी परेशानी बिल्कुल चुटकी में जड़ से ख़त्म हो जाएगी। फ्रेंड्स, इसकी पूरी गारंटी है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने डाइट में जो आप खाते पीते हैं, जैसे कि जंक फूड, फास्ट फूड, ऑयली फूड, इन सभी खाने पीने को आपको पूरी तरीके से अवॉइड करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर आपकी लाइफ हेल्दी रहेगी, आप फिट रह पाएंगे। होता क्या है फ्रेंड्स, जब आप ऑयली फूड खाते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, ज़्यादा तला हुआ, ज़्यादा भुना हुआ खाते हैं, मार्केट में पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसे वगैरह खाते हैं, बहुत सारी फीमेल्स बहुत चटपटा यमी टेस्ट देखते हुए गोलगप्पे, पानी पूरी खाती है, फ्रेंड्स इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। और बताना चाहूँगा कि वो मैं आपको एक रामबाण इलाज बताने जा रहा हूँ, वो है गर्म पानी, गुनगुना पानी। जब आप गर्म पानी पीते हैं फ्रेंड्स, तो जो आपके पेट में जो पाचन तंत्र है वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है और जो भी आप खाते पीते हैं उसको बहुत ईजिली डाइजेस्ट करता है। होता ये है कि आप जब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आप तुरंत पानी पी लेते हैं, ये भी बहुत गलत है। आपको खाना खाने से कम 30 मिनट बिफोर पानी पीना है, या फिर अगर आपने खाना खाया है तो खाना खाने के बाद 30 मिनट के बाद, यानी आधे घंटे के बाद आपको पानी पीना है। लेकिन पानी आपको गुनगुना पानी पीना है, तो आप ऐसा करें फ्रेंड्स कि पानी को बॉइल कर लें और उस पानी को दिन भर पीते रहें। अब मैं आपको यहीं पर बताना चाहूँगा कि पानी आप कितना पियेंगे, तो पूरे दिन भर में आपको कम से कम 5 से 6 लीटर पानी पीना है। बताना चाहूँगा कि आप अगर पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियेंगे तो आपके माइंड में स्ट्रेस नहीं रहेगा, आपके पेशाब में जलन नहीं होगी, आपका पेट हमेशा ठंडा रहेगा और जो भी आप खाएंगे पियेंगे वो ईजिली डाइजेस्ट होगा, आपका स्किन भी ग्लो होगा, हेयर भी, अगर आपके हेयर फॉल होते हैं तो हेयर भी ग्रोथ होंगे, नए बाल आएंगे, आँखों की रोशनी भी बढ़ेगी और बॉडी आपकी अंदर से स्ट्रांग रहेगी। क्यों? इसलिए क्योंकि आपका पाचन तंत्र अंदर से स्ट्रांग है, स्ट्रांग रहेगा जब आप अपनी डाइट में इस तरीके का चीज़ शामिल करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको एक गिलास पानी गर्म और गुनगुना, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, गुनगुना पानी पीना है। मैं खुद पीता हूँ फ्रेंड्स। मैं बताना चाहूँगा कि मैं कई सालों से गर्म पानी पी रहा हूँ और उसके ज़बरदस्त रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं, आज तक कभी बीमार नहीं पड़ा। तो आप भी अपने डेली लाइफ में जो डाइट आप लेते हैं तो उसमें आप गर्म पानी ज़रूर पिएं। और बताना चाहूँगा एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि जब आप सो कर उठते हैं तो उस दौरान आप गर्म पानी में, गुनगुना पानी में थोड़ा नींबू, नमक डाल करके जब आप सो के उठते हैं उस टाइम पे आपको पीना है, उसके बाद ही आपको फ्रेश होने के लिए जाना है।
तो इससे क्या होगा कि आप बिल्कुल फिट रहेंगे। तो जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, आप आई होप आप इन बातों को अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे और इसको अपने डेली लाइफ में ज़रूर इसको शामिल करने की कोशिश करें। और बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जब आप ऐसा करेंगे तो आपको ना ही किसी तरीके का स्ट्रेस आएगा माइंड में, ना ही पेट में कब्जियत आएगी, ना ही छाती दर्द करेगा, ना ही आपके चक्कर आएंगे। आप बिल्कुल, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो अंदर से बिल्डअप होगी, स्ट्रांग होगी, स्ट्रेंथ लेवल डेवलप्ड होगा और आपकी बॉडी जो है वो हमेशा ग्लो नज़र आएगी, काफ़ी अट्रैक्टिव बॉडी आपकी नज़र आएगी। फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ प्यार से इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में, रिलेटिव्स में इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और बताना चाहूँगा, जब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हाँ, रेगुलर एक्सरसाइज करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आप ज़्यादा फिट रहेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।